स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। तीसरी लहर को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आज कोविड इलाज के लिए 2 लाख बेड मौजूद हैं। 2019-20 में 8 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया गया है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। 4 साल में 32 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। आज यूपी में 3 लाख टेस्टिंग क्षमता है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्या कुछ कहा उन्होंने वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है, वहां पर जो मरीज थे उनसे बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको जानने और समझने की कोशिश की है। तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं हम, उसके बारे में बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज कोविड इलाज के लिए 2 लाख बेड मौजूद हैं, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। 2019-20 में 8 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया गया है। 4 साल में 32 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। तो ये तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। आज यूपी में 3 लाख टेस्टिंग क्षमता है। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग का मैंने निरीक्षण किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ अन्य बेहतर सेवाएं अयोध्या वासियों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेगी। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हेल्थ वर्कर्स के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के जो अच्छा परिणाम लाने का प्रयास किया, वह मैं इसके लिए उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों और प्रियजनों को भी खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है, उसके लिए हमें हरेक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक किन्नौर जिले में बटसेरी के गुंसा के पास चट्टाने गिरने से छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई। गाड़ी पर पत्थर गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार पर्यटक दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आए हुए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने बताया कि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा से घूमने आए थे पर्यटक और भूस्खलन हुआ और उसके बाद 9 लोगों की मौत हो गई है। किन्नौर हिमाचल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बारिश और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली चंडीगढ़ से घूमने पहुंचे थे पर्यटक और उनकी गाड़ी पर पत्थर गिरे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। भूस्खलन हुआ और बारिश और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हो गई है। और पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते सहारनपुर जिले की तमाम बरसाती नदियों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही यमुना नदी का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है। ऐसे में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिले में बाढ़ चौकियों का निर्माण किया गया है। साथ ही यमुना नदी पर 5 बड़े हॉटस्पॉट स्टैंड का निर्माण किया गया है। दरअसल जिले में करीब आधा दर्जन गाँव संवेदनशील है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग द्वारा तैयारियां की गई है, जबकि करीब 176 गाँव है जो बाढ़ से प्रभावित होते
होते हैं। हालांकि अभी तक यमुना का जलस्तर इतना नहीं बढ़ा है कि बाढ़ के हालात हों। इसमें जो होया था ना ये कटाव, इसमें ग्रामीणों में इतनी दहशत थी, लोग काफी पूरे बरसात के दिनों में सो नहीं पावे थे, ये ठोकरा टूटती रही थी, लोग किनारे पे खड़े रहे थे। और अब ये स्थिति है, ये अब की बार काम होगा लगभग कंप्लीट सही है, तो लोग काफ़ी सुकून में हैं, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम सुरक्षित होंगे। 2018-19 में बाढ़ को लेकर सहारनपुर में सिंचाई विभाग की क्या स्थिति है, क्या अभी तक इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ पर सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अभी तक क्या स्थिति है बाढ़ की और किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बाढ़ की स्थिति, सहारनपुर में बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, ले और 176 गाँव हमारे प्रभावित होते हैं ज़िले में, लेकिन अभी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बार एक चीज़ ये भी पॉजिटिव रही है कि गवर्नमेंट से जो बजट कामों को मिलता था वो बहुत समय से मिल गया, और उसके कारण आज हम इस परियोजना पे खड़े हैं। ये गांव था जो लोग दहशत में जीते थे, समय से बजट आवंटन हुआ और हम लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ ये परियोजना के कार्य पूर्ण करा दिए। बारिश प्रारंभ होने से पहले ही लगभग हमारे सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, जिससे जनपद सहारनपुर अभी सुरक्षित है। और आप देख रहे हैं कि नदी की धारा भी जो पहले हिटिंग करती थी गांव में आबादी क्षेत्रों में, इस बार वो थोड़ा हरियाणा की तरफ शिफ्ट हो रही है, अपने जो उसका ओरिजिनल कोर्स है नदी का, उसमें जाने की कोशिश कर रही है इन स्ट्रक्चर के बनने की वजह से। इसका जो मुख्य कारण यही है कि गवर्नमेंट ने प्राथमिकता पर लिया बाढ़ को, और समय से कार्यवाही हो गई, समय से सारे आवंटन हो गए, और उसके कारण समय से सारे काम यहाँ पूर्ण हो गए हैं, और कामों की गुणवत्ता भी और मनोयोग के साथ लोगों ने काम किया तो हम लोग ठीक हैं। सबसे बड़ी बात होती है जो बाढ़ चौके जो बनाई जाती है वो यहाँ पर कितनी बनी है और उनकी क्या स्थिति है, वो कितना वहाँ पे स्टॉक जो है, देखिए पूरे जनपद में जो संवेदनशील हमने जो पॉइंट्स रखे हैं उनको देखते हुए 25 बाढ़ चौकियाँ चिन्हित की गई है, जो कि पहले ही बाढ़ से पूर्व ही हम लोगों ने बना दी है। कुल मिलाकर अगर सिंचाई विभाग की तैयारियों की बात करें तो जो बाढ़ चौकियाँ से लेके और जो यहाँ पर जो पॉइंट जो हैं, चाहे वो संवेदनशील है या अति संवेदनशील है, उन पर तमाम तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज। और नेपाल से घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र के सुंदरनगर समेत करीब एक दर्जन गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की मदद के लिए पीएसी बल तैनात किया गया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता भोलानाथ ने ग्रामीणों के साथ और ड्यूटी पर तैनात पीएसी बल के साथ खास बातचीत की है। बाराबंकी में नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है। एक दर्जन से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित है, जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पीएससी बल के साथ एनडीआरएफ फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि किसी प्रकार की ग्रामीणों को कोई समस्याएं न हो। हम इस समय पीएससी की उसी बोट पर हैं जो लगातार गाँव के का भ्रमण कर रही है, और किसी प्रकार की किसी ग्रामवासी को दिक्कत न हो या कोई असुविधा न हो, इसको विशेष ध्यान में रखा जाता है। उन्हीं पीएससी बल के कुछ जवान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये क्या नाम है सर? मेरा नाम शेष कुमार है, मैं 32 बटालियन पीएससी बी कंपनी से। ये बताइए कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आप भ्रमण करते हैं और किस तरीके से लोगों को राहत मुहैया करवाते हैं? सर मैं बाढ़ क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जो भी संस्थाएं और ग्राम प्रधान और भी हमारे उच्च अधिकारी जो भी हैं आते हैं, हम उनको लेकर जाते हैं, प्लस जनता जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जनता फंसी है उनको निकालना और राहत सामग्री पहुंचाना और उनको हर सुविधा के लिए हम तैयार हैं। 24 घंटे हमारा कैंप 32 बटालियन बी कंपनी का बंधे के ऊपर लगा हुआ है, और ये 24 घंटे सेवा के लिए सर जो है कभी भी रात बिरात इमरजेंसी कोई भी टूजेट जो है समस्या के लिए हम लोग तत्पर।
और गोंडा से खबर आ रही है, घाघरा और विसुही नदी का कहर, ग्रामीण इलाकों में विसुही नदी का तांडव देखने को मिला है। सैकड़ों की संख्या में गांव नदी की जद में आए हैं। इटिया थोक, आर्यनगर, कटरा बाजार, ये सब जो है वो यहां पर असर पड़ा है और इसमें पानी भर गया है। खरगूपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वसीवी नदी से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पानी से ग्रामीण क्षेत्र इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। खरगूपुर जाने वाली सड़क के दोनों ओर पानी भरा हुआ है। विसुही नदी में बड़े पैमाने पर छोड़ा गया पानी, भारी जलजमाव से घर छोड़ने को मजबूर ग्रामीण, और पिछले साल बालपुर इलाके में ऐसे ही हालात बने हुए थे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।